अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, व्यू बहुत प्यारा है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ कुछ ऐसी डिस्कशन की जाए जो विजन्स के साथ रिलेट करती हो। यू नो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाब होने का मयार और इसका दायरा टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रखते हैं, खुद को कहाँ देखते हैं, किस हाल में देखते हैं और क्या करता हुआ देखते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड विजन ऑफ अ पर्सन। यू नो, हेलन केलर अपनी इन आंखों से देख तो नहीं सकती थी, बट शी स्पेंट अ विजनरी लाइफ। वो ये कहती हैं, द मोस्ट पैथेटिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज समवन हैज साइट बट नो विजन। यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी को एक्सीडेंशियल पैटर्न के ऊपर गुजार रहे होते हैं। दे बिहेव लाइक वक्त आएगा तो देख लेंगे, मैं मैनेज कर लूंगा, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। और फिर ये वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम्स में घिरे हुए नजर आते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हुए नजर आते हैं, एंड मोर देन दैट बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी को एक डिजाइन पैटर्न के ऊपर गुजार रहे होते हैं। दे ऑलवेज लुक बिजी टू गेट समथिंग, दे ऑलवेज पुट देमसेल्व्स इनटू अ चैलेंजिंग सिचुएशन। वो इस बात से बहुत दूर निकल जा चुके होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। दे ऑलवेज treated problems as an opportunity. Everybody knows about Abdul Sattaridi. You know, when he was at 19, he lost his mother. After independence, when he came in Pakistan, he started his visionary life by a small dispensary shop. Vision bahut clear tha ki insaniyat ki khidmat karni hai. इस वास्ते उन्होंने खुद को मेहनत में, मुशक्कत में लगाए रखा, कभी सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, कभी हुक्मरानों को बुरा भला नहीं बोला, कभी इस बात की फिक्र नहीं की कि रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, क्योंकि मेरा विजन इतना बड़ा है, इंसानियत की खिदमत करनी है, कौन मेरा साथ देगा। वो इस बात से बहुत दूर निकल जा चुके थे। एंड व्हेन ही वाज लिविंग दिस वर्ल्ड, ही गेव अस मोर देन 350 ईडी सेंटर्स, ही गेव अस एन एफिशिएंट एम्बुलेंस नेटवर्किंग सिस्टम दैट आर वर्किंग राउंड द क्लॉक एंड सर्व द नेशन। उन्होंने तकरीबन अपनी जिंदगी में 50,000 बच्चों की जिंदगी बचाई जिनको उनके पेरेंट्स ने किसी भी वजह कर मौत के मुंह में छोड़ दिया था। दैट्स व्हाई वी कॉल हिम एंजल ऑफ मर्सी। In 1992, when everybody was looking at the World Cup, but Mr. Imran Khan was the person who was looking beyond the World Cup, that is Shaukat Khanam, for the sake of his mother love. एंड उसके बाद उन्होंने नंबल यूनिवर्सिटी बनाई पाकिस्तान की एक ऐसी लोकेशन पर जहाँ शायद ही कभी किसी ने पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की यूनिवर्सिटी को बनाने के बारे में सोचा हो। एंड देन ही ब्रिंग्स एन आइडिया अबाउट नया पाकिस्तान एंड ही इज स्टिल स्ट्रगलिंग टूवर्ड्स पाकिस्तान रिफॉर्म। अल्लाह करे अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, बट पॉइंट ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को एक्सीडेंशियल पैटर्न से निकाल के डिज़ाइन पैटर्न के ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी सोच को कि हम खुद को कहाँ देखते हैं, अपने इन ख्यालात को अपनी सोच का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। यू नो, अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी लाइफ को विज़न नहीं देंगे, तो हम किस तरीके से अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें एक नाम दिया है, नाउ इट्स आवर टर्न कि हम अपनी ज़िंदगी को क्या नाम देते हैं। यू नो, इकबाल कहते हैं, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे ज़िंदगी, अगर तू मेरा नहीं बन सकता ना बन, अपना तो बन। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल कम अप अगेन विद न्यू टॉपिक। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।